ये 3-4 केसेस हो चुके हैं जहां पर मैंने खुद पकड़ा है सिचुएशन पे. एमसीजी ने कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स को हायर किया है और उनके पास तकरीबन 45 से 50 लोग हैं जो जाते हैं सिचुएशन पे, एक गाड़ी लेके जाते हैं, उनके पास केले होते हैं और केले में कुछ मिलाते हैं, कोई ड्रग है या सेडेट करने का कोई चीज है, जो हमने सबमिट भी किया सेक्टर 56 के थाने में, एक एफआईआर सॉरी कंप्लेन की थी, एफआईआर नहीं हुई है उस पर. वो सब्सटेंस भी हमने सबमिट किया है फॉर द लैब चेक, बट कुछ हुआ नहीं. वो तरीका कम्प्लीटली गलत है मंकीज को पकड़ने का. ये जाके बंदरों को खिलाते हैं, बंदर बेहोशी में आ जाते हैं, उनको हाथों से ऐसे पकड़ा जाता है, उठा के लेके आते हैं दो दो तीन तीन लड़के. अनफॉर्चुनेटली उसका वीडियो नहीं है मेरे पास, वरना मैं जरूर आपसे शेयर करता. वो भी उठा के लाके बोरियों में बंद करके रख देते हैं. उस प्रोसेस में कई बार जो मंकी इनिशियली केला खा के चढ़ जाते हैं पेड़ों पे या बिल्डिंग पे, वो गिर जाते हैं वहां से. अभी जो हमारे पास बजरंग का सबसे बड़ा केस है जिसको हमने रेस्क्यू किया है, वो सिमिलर सिचुएशन था. ये लोग वैली व्यू एस्टेट एक सोसाइटी है उसमें आए हुए थे और इन्होंने बेहोशी की दवाएं मिला के केले में खिलाया. वो बेचारा बंदर 3-4 महीने का होगा, वो गिरा पेड़ से. गिरने के बाद उसको वहां के जो डॉग्स थे उन्होंने उस पर अटैक कर दिया. उसकी दोनों पैर की हड्डियां टूट गई, एक की तो पूरी बोन बाहर आ रखी है जो पिक्चर्स मैंने आपसे शेयर की है, और उसके बाद कुत्तों ने काटा भी उसको. ये सिचुएशन करके पकड़ना कंप्लीटली इलीगल है.